वित्त मंत्री के हवाले से जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 2014-15 जब मोदी सरकार आई तब से लेकर 2021-22 तक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है यानी कि जो लोन दिए गए हैं और जो वापस नहीं मिल रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो है 66.5 लाख करोड़, और इसमें से 14.5 लाख, 14.5 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं। यहाँ पे बता दूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो हमने लोन दिए हैं और जो लोन अब वापस नहीं आने वाले उनको राइट ऑफ किया जाता है, और जिसको ये सरकार मान लेती है कि अब ये वापस नहीं आने वाला है। तो यदि हम देखें पूरी दुनिया में ये आंकड़ा किस तरह का है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का 2021 का रिपोर्ट बताता है NPA का जो रेशियो है एज कंपेयर टू जो पैसा दिया जा रहा है वो है अमेरिका में 1%, UK में 1% और कनाडा में केवल 0.4%। मतलब केवल 0.4% पैसा जो दिया जाता है उसमें से वापस नहीं आता, मगर भारत जो है वो रशिया की तरह है, 8.3% ये NPA रेशियो है रशिया के लिए, और हम भी इसी के आसपास है। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से जो पैसा दिया जाता है बड़े कॉरपोरेट घरानों को या सारे लोगों को, उन सबको मिलाया जाए तो 66.5 लाख करोड़ ऐसा है जिसका जो पैसा भी वापस नहीं आ रहा NPA है। इसमें से राइट ऑफ जो किया जा रहा है वो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ 14.5 लाख करोड़ है। ये जनता का पैसा है, इसके ऊपर गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाती। आखिर क्यों ये पैसा, क्यों इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने लेकर भाग जाते हैं, विदेशों में जाकर रहते हैं, ये देश के नाम पर लूटने वाले, देश को लूटने वाले ये कौन है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, यही नाम है ना। और ये चोर नहीं है तो क्या है? और मोदी सरकार तो खामोश होगी ही क्योंकि इन्हीं की मदद से ये भाग रहे। जो लेकर भागा क्या उसको पकड़ना आवश्यक नहीं है? जो लेकर भाग गया उसको कब पकड़ेगी ये सरकार, ये बताए मोदी सरकार।